बिग रेवल्यूशन स्टार्ट फ्रॉम हेयर यस नो डाउट आज तक तुमने यूट्यूब पर बहुत सारे रेवल्यूशन की वीडियो देखी होगी लॉन्च होती हुई बट आज तुम पहली बार देख रहे हो जिसकी शकल है yes, यह कोर्स आपको मिलने वाला है वन नाइन नाइन में टू नाइन नाइन में एंड थ्री फोर नाइन नाइन में यस नो डाउट ये कोर्स होने वाला है आपका लाइफ प्लस अफोर्डेबल प्लस वेल्यू फॉर टाइम ठीक है और मैं आपको बता रहा हूं अगर ये कोर्स हर एक बच्चा कर सकता है हर एक बच्चा बिगिनर से लेके जो इंटरमीडिएट एडवांस लेवल है जिसको खुद पे कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है ठीक है इसके बाद आपकी गूगल फेसबुक अमेजोन जैसी कंपनियों में प्लेसमेंट पक्की है इस बात की गारंटी है ठीक है ऐसा मैं कुछ नहीं बोलने वाला हूँ करना ठीक है कोई रेवोल्यूशन नहीं है ऑलरेडी लोगों ने बहुत सारे कंटेंट ये फ्री में अवेलेबल है बट मैं इस चीज का चार्ज कर रहा हूं कि ये लाइव देने वाला हूं बस प्लस मैं लोगों को फ्री में कंटेंट प्रोवाइड करना चाहता हूं उसके लिए मेरे को थोड़े पैसे की भी जरूरत है ठीक है जिसके लिए मैं इक्विपमेंट्स खरीद पाऊं वो सारी चीजें तो उसके लिए मैं ये कर रहा हूं इस कोर्स को परचेज करने से पहले कुछ चीजें आपको जान लेनी चाहिए वो शुरू करते हैं अच्छा तो पहले ये बताओ मेरे को कैसा लग रहा हूं मैं सही लग रहा हूं ठीक है लुक्स की बात नहीं कर रहा हूं एनर्जी कैसी है कॉन्फिडेंस कैसा है लग रहा है दम लग रही है बंदे में तो बस ये किसकी वजह से है सिर्फ आप लोगों की वजह से जैसे ही मैंने वीडियो डाली ज्यादा व्यूज नहीं आए और मुझे वो उम्मीद भी नहीं थी लेकिन जो लोगों का रिस्पॉन्स आया उस पर ठीक है बेशक कम लोगों ने देखा उसको लाइक किया ठीक है उस पर रिस्पॉन्स किया मेरे लिए वो काफी था काफी था ठीक है जो मैंने पोल किया उसमें लोगों ने बोला ठीक है फ्री भी लाओ पेड भी लाओ उस बेसिस पे ये मैं लाइव बैच पेड ला रहा हूं आप लोगों के लिए अच्छा तो ये मैं नहीं आप लोग बोल रहे हो आप लोगों का प्यार बोल रहा है अब मेरे से पूछो इस जावा जावाडीएसए वैक्टर कोर्स में क्या क्या मिलने वाला है क्या होने वाली क्या चीजें तो मैं देखो जो लोग सबसे पहले करते हैं वो, वो नहीं करने वाला हूं देट इज नो मार्केटिंग हैक्स ठीक है नो मार्केटिंग हैक्स अब ये मार्केटिंग हैक्स कौन से कौन से होते हैं जैसे कि भाई ये कोर्स बोल दिया वन नाइन नाइन का है कोर्स बोल दिया टू फोर नाइन नाइन का है भाई मैं ये नहीं जानता मैं इतना जानता हूं वन नाइन नाइन को दो हजार बोलते हैं तो मैं दो हजार ही बोलूंगा हजार ही बोलूंगा चार हजार ही बोलूंगा और ये प्राइस पॉइंट भी आप खुद डिसाइड करने वाले हो मैं खुद एक पोल कर दूंगा तुम खुद देख लेना दूसरे यूट्यूबर इस लेवल का कंटेंट इस लेवल की चीज़ें आपको लाइव दे रही हैं इतने अमाउंट ऑफ मनी में क्या मेरी उतनी मेहनत को आप इतना पे कर सकते हो बस उस चीज का पैसा है और कुछ नहीं है ठीक है दस दस हजार को भी पे करने को रेडी है कुछ तो ऐसे है ठीक है बस करवा दो हमारी प्रिपरेशन ऐसा कुछ नहीं मैं सभी के लिए रखना चाहता हूँ जो लोग मुझसे जुड़े हैं मैं उन्हीं को तो पढ़ाना चाहता हूँ तो उनके लिए क्या प्राइस पॉइंट रहेगा वो उन्हीं के अकॉर्डिंग लूंगा सेकेंड चीज इसमें मैं अर्ली बर्ड ऑफर भी चलाने वाला हूं ठीक है अर्ली बर्ड ऑफर क्यों मैं यार देखो यार जो जल्दी आएगा उसको यार कुछ तो फायदा होना चाहिए ना उसके लिए मैं ट्वेंटी परसेंट से लेके थर्टी परसेंट ऑफ रखने वाला हूं ठीक है इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा ऐसा मैं कुछ नहीं बोलूंगा क्यों क्योंकि यार देखो ये मार्केटिंग टेक्निक है उनके कोर्स की कीमत ही फिर उतनी होती है ठीक है जो इतने सारे ऑफर देते हैं मुझे पता है भाई मैं प्राइस पॉइंट में इस इतने पे कोर्स लेके आ रहा हूँ उसका उतना ही प्राइस पॉइंट है अगर तुम लेट करोगे तो मैं ज़्यादा पैसे ले लूंगा क्यों क्योंकि फिर गलती से तुम नई क्लास में बैठोगे तुमको समझ नहीं आएगा फिर मेरे को उससे पहले तुम्हारे को पढ़ाना पड़ेगा तो ये याद रखना टाइम से लोगे वही मेरे लिए सारे बच्चे इक्वल हैं जो एक मिनट पहले कर ले लॉगिन या दो मिनट बाद लॉग इन कर ले मेरा साइन अप कर ले कोर्स सब मेरे लिए बराबर है ठीक है कोई भेदभाव नहीं है तीसरी चीज ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि आपके फैंग यूट्यूबर भैया दीदी इसी नाम पर कोर्स बेच रहे हैं कह रहे हैं बहुत सारी कंपनी बेच रही है कि गूगल में फेसबुक में ठीक है आपकी जॉब पक्की है अमेजॉन में आपकी 20 से 25 लाख का पैकेज लग जाएगा जॉब बिल्कुल पक्की है ठीक है गारंटी है क्या मेरे से पढ़कर आपकी यहां पर जॉब पक्की है क्या ऐसा पॉसिबल है यार देखो मेरा कोई चच्चा विधायक तो है नहीं दूसरा नाम मेरे इतने बड़े कोई रेफर है कि तो इतने लगवा दे। लेकिन जब ये सब नहीं है तो आपका कोर्स क्यों खरीदें भाई वो सिर्फ मार्केटिंग के नाम पर लिया जाता है और कुछ नहीं है ठीक है मैं कह रहा हूं आपको पांच लाख से लेके पंद्रह बीस जो भी बोलोगे ठीक है एक फाउंडेशन स्ट्रांग कर दूंगा ठीक है जो भी पांच लाख से जितनी भी मार्केट में जॉब्स हैं ठीक है उसके लिए तुम आप प्लेसमेंट के लिए रेडी हो जाओगे तो मेरे में प्लेसमेंट पक्की हो या ना हो मैं हमेशा मैंने एक टैग लाइन नीचे लिखी है फाउंडेशन पक्की है तो मेरे वेक्टर कोर्स की यही खासियत है कि कोई भी बच्चा पढ़ ले उसकी फाउंडेशन पक्की है गारंटी लूंगा इस चीज की मैं खुद क्योंकि मैं खुद रिस्पॉन्सिबल हूं उस चीज के लिए क्योंकि तुमने मुझको पे किया है अब ये फाउंडेशन कैसे बनेगी कैसे मैं बिल्ड करूंगा ये मुझसे पूछो अच्छा किसी ने पूछा इसका नाम वेक्टर कोर्स क्यों रखा है ऐसे नहीं रख दिया है क्योंकि मार्केटिंग में लग रहा है इसलिए नहीं वैक्टर तुमको अगर फिजिक्स और मैथ्स में पढ़ा होगा वैक्टर ट्वेल्थ में था फिजिक्स में भी था ठीक है तो वैक्टर के पास दो चीजें होती हैं क्या द क्वांटिटी हैज बोथ मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन तो मैग्नीट्यूड तो हो गई ना ठीक है मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन अच्छा डायरेक्शन में क्या पहले डायरेक्शन की बात करते हैं क्योंकि हर कोई कोर्स बेच रहा है हर कोई कोर्स बेच रहा है ठीक है वो मैग्नीट्यूड में आ जाते हैं ठीक वैल्यूएबल कंटेंट हर जगह तुम्हारे को मिल रहा है ठीक है अफोर्डेबल भी मिल रहा है आपको ऐसा कुछ नहीं है अफोर्डेबल नहीं मिल रहा ठीक है बहुत से बच्चों के लिए वो अफोर्डेबल भी है प्राइस पॉइंट लेकिन डायरेक्शन फिर भी मिसिंग है कौन सी डायरेक्शन डायरेक्शन बच्चे बोलते हैं फिर भी लॉजिक नहीं बनते कितने बच्चे हैं जिन्होंने कोर्स परचेज किया है फिर भी वो कहते हैं कि आज तक सर हमसे लॉजिक ही नहीं बनते डीएसए के ठीक है बड़ी बड़ी प्रॉब्लम्स जो आती है वो हम प्लेसमेंट में जो आती है वो बना ही नहीं पाते

कैसे क्रिएट कर रहा हूं ठीक है उसमें समझ में आएगा कैसे एक दूसरे से इंटरलिंग है क्वेश्चन अगर समझना चाहते हो देखना चाहते हो ठीक है तो ये जो चीज है ना वो मुझे पता है कैसे कैसे मूव करने चाहिए कैसे तुम कर पाओगे आई विल टेक द द ऑफ कि लॉजिक कैसे नहीं बनते हैं ठीक है सेकेंड चीज क्या जो चीज मैं पढ़ा रहा हूं जो मैं फाउंडेशन बना रहा हूं तुम्हारी अगर कहीं तुम्हारे को अपॉर्चुनिटी मिलती है कहीं पे आप अप्लाई करते हो तो क्या तुम उस प्लेसमेंट के लिए रेडी हो रहे हो कि नहीं हो रहे हो ठीक है क्या मैं तुमको वहीं लूप्स में घुमाए जा रहा हूँ एक्सेप्शन हैंडलिंग ये ऊप् सब कोर जावा ठीक है फाइल हैंडलिंग ये सब करवा रहा हूँ ऐसा नहीं है ठीक है ऐसा बिल्कुल नहीं होगा क्योंकि जो एक्चुअल में प्लेसमेंट में पूछे जाते हैं जो पूछे गए हैं क्वेश्चंस वही और साथ में मैं कवर कर रहा हूँ प्लस थियरी प्रैक्टिकल के साथ तो ये चीज रहेगी कि सच में वो प्लेसमेंट वाली डायरेक्शन पे जा रहे हो वरना कुछ नहीं होने वाला आखिरी में तो जो तुम्हें जॉब लेनी है ठीक है अगर मैं ना लगवा पाया तो खुद से ले लो तो मेरा कोई चाचा विधायक तो है नहीं जो सबकी मैं लगवा दूंगा ठीक है अभी मैं इतना बड़ा भी नहीं हूं कि मार्केटिंग में कोई कंपनी आ जाए मेरे से टाई अप कर ले ठीक है तुम लोगों का प्यार रहा तो ये भी रख कर लेंगे अपन ठीक है एंड दी थर्ड मैग्नीट्यूड में एक चीज मिसिंग है ठीक है हर कोई वैल्यू फॉर मनी की बात कर लेता है हर कोई वैल्यूएबल कंटेंट की बात कर लेता है मार्केटिंग कर गुरा के कैसे भी ठीक है और कुछ जेनवन भी करते ऐसी बात नहीं लेकिन वैल्यू फॉर टाइम की कौन बात करेगा इसमें मैं बात करूंगा वैल्यू फॉर टाइम बहुत जरूरी है ठीक है तुमको वो भी बोलते चालीस पचास घंटे का कोर्स है मेरा ठीक है सौ घंटे का कोर्स है उससे कुछ नहीं होने वाला ठीक है टॉपिक उतना ही है, एक डेढ़ घंटे का खत्म कर पाएगा कोई बंदा तो अच्छी बात है तो वो जो टाइम है वो कैसे टाइम मैनेज करेंगे कुछ मैं देखो ज्यादातर ये हंड्रेड वन परसेंट लाइव ही रहने वाला है लेकिन कुछ चीजें मैं इसमें छोड़ूंगा ठीक है जान के डीएसए में नहीं है। कहीं भी होगी वो चीजें मैं छोड़ूंगा उनको क्या है उनके मैं लेक्चर्स प्रोवाइड करूंगा ठीक है वो बीच में वीकेंड में ये क्लासेस होंगी ये मैं आपको बता दू वीकेंड में ये बैच होंगे ठीक है और ये जब उसके बाद जो तुम्हारे को वीक में टाइम होगा मैं कोशिश करूंगा उसमें कुछ आपको लेक्चर्स दे दू ठीक है उसके क्या है डाउट्स ले लिया करेंगे अपन वीकेंड में ठीक है तो ये वीकेंड में सैटरडे और संडे आपकी क्लास होने वाली है एक डेढ़ घंटे की क्लास ले सकते हो तो पेटियां अपनी बांध लेना और आ जाना वरना तो भूल जाओ इसमें आने के लिए ठीक है तो अब बात करते हैं अपना कोर्स किस किस के लिए है इतनी सारी चीजें हो गई ठीक है तो देखो पहला जिसको अगर जावा की सर हमारे को जीरो नॉलेज है हमको जावा नहीं आता क्या ये कोर्स हमारे लिए बिल्कुल है बिल्कुल है ठीक है क्यों बोल रहा हूँ क्योंकि जावा का जीरो नहीं आता मैं सब कुछ कवर करूंगा अब कहीं बोलेंगे सर हमारे को कोर जावा आता है ठीक है हमारे को क्या बोलते हैं थोड़ा बहुत डी एस भी आता है ठीक है तो अगर आप कोर जावा ही पढ़ाते रह गए तो वो सारी चीजें कब कवर करोगे मैंने बोला वैल्यू फॉर टाइम मुझे पता है किस टाइम को कितना देना है आराम से इसको मैं एक मंथ के अंदर कवर करूंगा कैसे भी करूं ठीक है कम ज्यादा क्लासेस लूं कुछ भी करूं एक मंथ में कवर करूंगा और इसमें तुमको लग रहा है तुमको सच में कोर जावा आता है तुमको डी भी पढ़ने लग गए हो तो तुमको सच में वो जावा उस लेवल का आ गया है ठीक है तो वैसा भी ठीक है कोई दिक्कत नहीं है लेकिन वो कॉन्फिडेंस प्लस और क्वेश्चंस भी करवाऊंगा इसमें क्योंकि मेरे अगर देखोगे फ्री बिगिनर्स वाली में ठीक है मैंने क्वेश्चंस करवाए हैं ठीक है तो इसमें मैं क्वेश्चंस करवाऊंगा ताकि आप डीएसए के लिए आगे रेडी हो रहे हो उस लेवल का जावा हो रहा होगा ना कि हर एक चीज में आपको इन डेप्थ पढ़ाने वाला वो पॉसिबल ही नहीं ठीक है तो कोर जावा जो पढ़ के आए हैं उनके लिए भी है जो डीएसए पढ़ के आए उनके लिए भी है और जो जावा नहीं पढ़ के आए हैं उनके लिए भी है क्योंकि मैं अपने कोर्स को इंडिपेंडेंट बनाना चाहता हूँ बिल्कुल जीरो से ठीक है तो मुझे पता है कितना जावा मुझे डीएसए के लिए पढ़ाना है उतना ही सफिशियंट मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ so तो इससे क्या होगा कोर जावा और डीएसए वालों की उनकी रिविज़न हो जाएगी ये याद रखना हर कोई आपको कंटेंट देने में चल रहा है ठीक है हर कोई क्लासेस लेक्चर्स कंप्लीट करवाने में बात कर रहा है लेकिन रिवीजन की कोई बात नहीं करता है रिवीजन की कोई बात नहीं करता अगर आपने सच में प्रिपरेशन करी हो आईआईटी जेई की मैंने तो की थी तो भाई ठीक है इलेवन ट्वेल्थ भी करी हो तो वहाँ पे भी क्या करते थे सबसे ज़्यादा फोकस कहाँ होता था रिवीजन जो तुम्हारे को आता है पहले उस पर तो कॉन्फिडेंट हो जाओ पहले वो टॉपिक तो अपना पक्का कर लो कि हाँ ये क्वेश्चन आ गया इसका तो इस कॉन्सेप्ट तो बना देंगे तो वो जरूरी है मेरे को ये पता है मुझे कैसे करवाना है क्योंकि जब तुम मेरे से बैच में पढ़ रहे हो तो इट इज़ नाउ माय रिस्पॉन्सिबिलिटी मुझे तुम्हें कैसे रिवीजन करवानी है ठीक है कान पकड़वा के कि तुमको डांट कर ओके okay. तो ये सारी की सारी चीजें मेरे कोर्स के अंदर मिलने वाली है क्या दूसरों के कोर्सेज में है देख लेना कंपेयर कर लेना और तुम जानते हो तो अब मैं एक पोल करूंगा उस पर पोल करने कर देना कौन सा पोल होगा प्राइस के लिए किस प्राइस पॉइंट पे चाहिए दूसरी चीज एक फॉर्म मैं निकालने वाला हूं जिसमें आपको तीन चार चीजें भरनी होंगी नाम ठीक है फ़ोन नंबर ई मेल जहां जहाँ से हो ठीक है लोकेशन आपकी इंडिया पाकिस्तान बहुत से लोग पाकिस्तान से भी हैं ठीक है तो ये सारी डिटेल्स फिल कर देना अगर इंटरेस्टेड हो मेरे कोर्स के अंदर एंड दी थर्ड चीज़ फ्रेंड्स ठीक है फ्रेंड्स लेके आना फ्रेंड्स को शेयर करना वीडियो थोड़ी अपनी मार्केटिंग के लिए नहीं कह रहा हूँ ठीक है बात कह रहा हूँ रोकड़े के लिए ठीक है अब बोलोगे रोकड़ा मिलेगा क्या नहीं रोकड़ा वोकड़ा ऐसा कुछ नहीं है मेरे पास इससे क्या होगा देखो जितने ज्यादा लोग होंगे मुझे पता है इतने बैच से मेरे को इतना पैसा बनाना है इससे ज़्यादा नहीं बनाना है तो मैं और अफोर्डेबल करने की कोशिश करूंगा थोड़ा हो सकता है प्राइस और ड्रॉप कर दूं सेकंड चीज़ देखो फ्रेंड होगा तुम्हारा तो जब पढ़ोगे मेरे से ठीक है तुम एक दूसरे से डिस्कशन कर पाओगे क्वेश्चन मैं कोई दूंगा तो हो सकता है तुम सॉल्व ना कर पाओ उससे पूछो तो एक दूसरे जब थॉट प्रोसेस एक्सचेंज होगा तो वो फायदेमंद होती है चीजें ठीक है तो एक साइड बाय साइड तुम्हारे एक कॉम्पिटिटर होना चाहिए तो थर्ड जितने बंदे होंगे उतना कॉम्पिटिशन होगा तो मैं टेस्ट भी रखा करूंगा तो उसमें जैसा जैसा रिस्पॉन्स आएगा बंदे का तो वो एक कॉम्पिटिटिव वाला तुम्हारा शुरू से फेज रहेगा वही बहुत जरूरी है प्लेसमेंट के लिए कि प्लेसमेंट के टाइम भी एक दूसरे बंदों को तुम कॉम्पिट ही करने वाले हो शुरू से तुम्हारा फेज रहने वाला है तो ये सारी चीज़ें अपनी रहने वाली है तो दोस्तों को जरूर लेके आना एक को तो कम से कम ठीक है सो नाउ दैट्स इट इट्स योर टाइम फॉर्म जल्दी से जल्दी भरने की कोशिश करो ठीक है और मैं कैसे पढ़ाऊंगा क्या क्या कंटेंट कवर करूंगा पूरा अपडेट लेकर आऊंगा क्या पर हम एक मीटिंग रखेंगे ठीक है आप मेरे को डिटेल्स भेजोगे तो मैं आपको एक मीटिंग भेजूंगा कैसे कवर करेंगे क्या प्राइस पॉइंट होगा सब कुछ फिक्स हो जाएगा ठीक है किस टाइम पर चलेगा किस डेट पर लॉन्च होगा एवरीथिंग सारी अपडेट या तो मैं एक मीटिंग तुम्हारे साथ रखूंगा वो तो रखूंगा ही प्लस या तो मैं हो सकता है लाइव आ जाऊँ या फिर एक और वीडियो डाल दूँ इस पर ओके देन मिलता हूँ उसी के साथ दैन बाय बेस्ट ऑफ लक